एक खूबसूरत दिन क्रिकेट के लिए। चलिए इसी के साथ अंपायर गेंद के साथ मैदान में उतरते हुए। नीतीश राणा और शुभमन गिल ओपनिंग बैट्समैन मैदान में आते हुए। तेज गेंदबाज को लाया जा रहा है इस छोर से। क्रिस मॉरिस को बोलिंग अटैक पर लगाया। राणा स्ट्राइकिंग एंड पर स्ट्राइक लेते हुए। फाइव फोर थ्री टू वन। इनिंग की पहली गेंद का सामना करते हुए बिल्कुल चकमा खा गए वहां रन रेट बढ़ाने की कोशिश। इनकी फील्ड प्लेसमेंट तो मानो फील्डिंग नहीं चक्रव्यूह रचा रखी है। और ये बोल्ड बेहतरीन गेंदबाजी। बल्लेबाज पवेलियन की ओर जाते हुए हताश निराश उदास। रासेल आया है एक विकेट के नुकसान पे। बल्लेबाज अपनी पहली गेंद की तैयारी करते हुए। आते ही चार रन। शॉट गया हवा में और गैप में भी गया। ये है जो बाउंड्री से इश्क फरमाते हैं। ये बात विपक्षी टीम को बखूबी मालूम है। ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहाँ मानो सिर्फ चौकों और छक्कों में ही दिलचस्पी रखते हैं। और एक चौका। अब पता नहीं भैया ये गेंद कहाँ जाएगी। पूरी तरह मिस किया वहां। निराश लग रहे हैं वहां। मेरी माने तो अपने आप को खुशकिस्मत समझे जो बिग क्रीज पे ही खड़े हैं। दूसरे छोर से स्पिनर का आगमन। चहल आया है बॉलिंग अटैक पर। शुभमन गिल स्ट्राइक ले रहे हैं। तो पहले ओवर में 8 रन बनाए। बल्लेबाज अपनी पहली गेंद की तैयारी करते हुए। पहला रन तेजी से दौड़ते हुए दूसरे रन की कोशिश होनी चाहिए यहां। बहुत ही बड़ा सिक्स। मानो कह रहे थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत लैम में नजर आ रहे हैं। और ये स्टंप बाहर निकलने की कोशिश थी यहां बल्लेबाज की और बहुत ही अच्छी स्टंपिंग। बहुत ही निराश लग रहे हैं। 6 बॉल में 14 रन बनाया रासेल ने। त्रिपाठी आया है। जिस तरह आजकल स्पिनर की धुलाई करते हैं ये क्या लगता है आपको कितने छक्के मारेंगे इस ओवर में। हवा में उठा दिया है और ये 6 रन। कोई मौका नहीं था वहां फील्डर के पास और वो सिर्फ बॉल को जाते हुए देख सकते थे। ये एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो ग्राउंड के किसी भी कोने में मार सकते हैं। चलिए देखते हैं अगली गेंद कहां मारेंगे। ये देखो बल्लेबाज का रौद्र रूप। उसे मालूम है कि गेंद का क्या हश्र करना है। एक ओवर 5 बॉल में 27। इनिंग की आखिरी बॉल ये रही आपके सामने। बहुत ही उम्दा कार्य स्टंप्स के पीछे। बैट्समैन के बल्ले से कहीं ज्यादा तेज। इसी के साथ पहले इनिंग्स की समाप्ति। ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या रणनीति के साथ आते हैं बल्लेबाज यहाँ इसे चेस करने। कोलकाता ने 27 रन बनाया। कोलकाता ने 27 रन 3 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर में बनाया। रासेल ने 6 बॉल में 14 और 3 बॉल में 12 रन। त्रिपाठी एक बार फिर स्वागत है आप सबका दूसरी पारी की शुरुआत में। बल्लेबाजों के सामने टारगेट सेट है। चलिए देखते हैं क्या वो ये चेस कर पाएंगे।
फील्डिंग टीम को शुरुआती झटके चाहिए। विकेट संभाल के खेलना होगा, यहाँ मैच एक बहुत ही रोमांचक मोड पर है। चलिए चलते हैं लाइव एक्शन की तरफ। पोडिकल और फिंच ओपनिंग बैट्समैन। तेज गेंदबाज को लाया जा रहा है इस छोर से। पैट कमिंग्स बोलिंग अटैक पर आया है। पोडिकल स्ट्राइकिंग एंड पर। के लिए गेंदबाज को अपनी लाइन और लेंथ बड़ी सटीक रखनी होगी। बहुत ही खराब गेंद और ये वाइट बॉल। अच्छी गेंद और अच्छा खेला भी। जगह बनाते हुए बल्ले का पूरा मुंह खोला और चार रन के लिए चढ़ दिया। गैप में खेलने का प्रयास, लेकिन फील्डर मिले वहां पास। सिंगल लिया। बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेशन बड़ी अच्छी कर रहे हैं। अब फिंच आया है बैटिंग पे। बहुत ही लंबा छक्का। टन 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 बल्ले के बीचों बीच। बड़ा खतरनाक बॉल है। खूबसूरत गेंदबाजी और दूसरे शोर पे भी तेज गेंदबाज को ही लाया जा रहा है। रसेल बोलिंग अटैक पर आया। बड़ा खतरनाक शॉट। क्या शानदार जीत हासिल की है बल्लेबाज विजयी रन बनाने के बाद एक दूसरे को बधाई देते हुए। तो बेंगलुरु ने 2 विकेट से मैच को जीत लिया है। दोनों टीमों का लेखाजोखा 2 ओवर में 27 रन 3 विकेट पे कोलकाता ने बनाया और बेंगलुरु ने 1 ओवर 3 बॉल में इस लक्ष्य को हासिल किया है। इसमें पोडिकल ने 6 बॉल में 21 और 3 बॉल में 6 रन फिंच ने बनाया। बहुत ही आसानी से बेंगलुरु ने इस मैच को जीता है। दोनों ही खेमों के प्लेयर आपस में एक दूसरे का हाथ मिलाते हुए और ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते हुए एक बहुत अच्छा क्रिकेट का मुजाहिरा देखने को मिला, जो कि नियमों के। Let's congratulate our man of the match and catch him for a few words. चहल को मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा है। And I'm really glad I could contribute towards the team.